हेलो फ्रेंड्स, जब वेट लॉस करने की बात होती है तो हमें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होता है, चाहे लॉन्ग टर्म में कितने भी हार्मफुल उसके साइड इफेक्ट्स हों। अगर आप ऐसी कोई भी टिप्स फॉलो कर रहे हो जो 5 से 10 डेज में वेट रिड्यूस कर रही है, तो जितनी जल्दी वेट लॉस होगा उतनी ही जल्दी वो वापस भी आ जाएगा। तो सही तरीका है, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो फैट जो है बॉडी से परमानेंटली रिड्यूस होना चाहिए। अगर आपकी प्रॉब्लम है कि एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो आपके लिए आयुर्वेदिक डाइट टिप्स बेस्ट होगा, जिसमें बहुत मेहनत नहीं करनी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। दिन की शुरुआत सबसे पहले गर्म पानी से करनी है, नींबू और हनी ले तो बहुत अच्छा है। इसके बाद आंवला, एलोवेरा और वीट ग्रास जूस लेना है। अब ब्रेकफास्ट में आपको कोई भी कुक्ड फूड नहीं लेना है, आपको सिर्फ फ्रूट्स, स्प्राउट्स और सैलेड लेना होगा। ब्रेकफास्ट से लंच के बीच कुछ खाना नहीं है, अगर जरूरत हो जूस या छाछ ले सकते हैं। और लंच पूरा लेना है जो आप खाते हैं, बस लंच के पहले आपको एक भरा प्लेट सैलेड का लेना है, एक फुल प्लेट सैलेड का खाना है। चपाती या राइस में से कोई एक अनाज लेनी है और बाकी दाल और सब्जियां वैसी ही रहेंगी। फिर से लंच और डिनर के बीच में इवनिंग में कुछ नहीं खाना है, आप ग्रीन टी या वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। डिनर शाम 7 बजे तक कर लेना है और ये आपकी डाइट का जस्ट हाफ होगा। पहले एक प्लेट सैलेड खा लेना है, उसके बाद स्मॉल बाउल वेजिटेबल खिचड़ी या दलिया ले सकते हैं। रात को सोने के पहले त्रिफला चून गर्म पानी के साथ पीना है। आप ये फॉलो करें और देखिएगा, और 3 से 4 हफ्तों में आप अपना वेट इजिली कम कर सकते हैं। आयुर्वेदिक इस डाइट टिप को फॉलो करें और फिट रहें। धन्यवाद।